हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ये वीडियो है कल का, थर्सडे का, 29 जून का, और सुबह सुबह का टाइम है। आप बारिश देख सकते हो कि मतलब 3-4 दिन से बारिश हो, तो मतलब तहलका मचा रखा है यहाँ पे। कहीं जाना भी है हमें, मतलब हमें यानी मुझे और मेरी दीदी को यानी ननद जी को, तो हम लोग दोनों साथ में कहीं जाने वाले हैं। और अच्छी जगह, मतलब अच्छी जगह नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग समझ ही गए मेरे इस बात से। तो मैं बता दूं आप सबको कि आपने अगर लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें अनारा आई हुई थी। तो मैं जिस दिन गई थी उस दिन सोमवार का वीडियो था एक्चुअली वो, तो सोमवार को हम लोग गए थे भाभी के घर पे शुभ काम के लिए, कुछ अच्छे काम की तैयारी के लिए। और उसके बाद में अनारा को लेके हम लोग आ गए थे क्योंकि अनारा, आप सबको पता ही है कि बाबू की और अनारा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो ये लोग अच्छा एक दूसरे की कंपनी अच्छा इंजॉय करते हैं, अच्छे के साथ में खेलते हैं। तो अनारा हमारे साथ में आई, हम लोग रास्ते में ही थे जब तक गप्पू का फ़ोन आया, मतलब गप्पू का यानी मेरे जेठानी जी के बेटे का फ़ोन आया कि उनके नाना जी का स्वर्गवास हो गया। तो मतलब उससे पहले कुछ भी ऐसा अंदेशा नहीं था, कुछ भी ऐसा था नहीं कि ऐसा कुछ होना है या कुछ होगा। तो रास्ते में हम लोग जब भाभी के घर से निकल के हम अपने घर के लिए आ रहे थे, 6:30 बजे का टाइम था शाम का, तो उस टाइम उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है तो आप सब अनारा को रखना। तो वैसे भी अनारा रह ही जाती है, 4-5 घंटे वो रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, बाबू के साथ वो खेल लेती है। तो कल था उस दिन तो हम नहीं जा पाए थे, पर कल जो चौथा होता है जो यहाँ पे गुजरात में बोला जाता है बैसना, तो कल था वो चीज़। तो हम लोग गए थे, मैं और दीदी गए थे, और पहले मैं दीदी के घर पे गई, फिर हम लोग वहाँ से अभी जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी हम लोग ऑटो में हैं और बारिश तो अब मतलब आप पूछो ही मत कि ऐसा लग रहा था कि आज से पहले और आज के बाद इतनी बारिश होगी ही नहीं, इतनी तेज़ बारिश थी और पूरे दिन ही बारिश रही है कल। हम लौट रहे हैं घर के लिए और कैब कर लिया हमने क्योंकि जाते वक्त थोड़ा सी परेशानी हो गई थी क्योंकि हम ऑटो में गए थे तो बाबू मतलब गीला हो गया था, एक साइड से पूरा गीला हो चुका था और जानबूझ के साइड में बैठा हुआ था, उसको मना किया था लेकिन फिर भी वो साइड में बैठा हुआ था, बीच में नहीं बैठा। और उसको मज़ा आती है ऐसे, बारिश बारिश आता है ना तो उसमें उसको गीला होना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी बचपन में ऐसा करते थे लेकिन अभी हमको डर होता है, एज अ पेरेंट्स हमें ये लगता है कि बच्चे बीमार ना हो जाएँ, तो इसी वजह से आते समय हमने कैब कर लिया था। जाते समय भी हमने ट्राई किया था कि कैब बुक कर लें बट वो बुकिंग ही नहीं ले रहे थे, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी तो इस वजह से बुकिंग ले ही नहीं रहे थे। और हमें पर्टिकुलर एक टाइम था वहाँ पहुँचने का, तो इसी वजह से हमें जल्दी हो रखी थी कि कहीं टाइम ना निकल जाए क्योंकि 8:30 से 10:30 बजे तक का टाइम था और हमें यहाँ पर 9:30 ऑलरेडी हो चुका था निकलने से पहले। तो इसी वजह से हमें थोड़ा टेंशन हो रहा था कि पता नहीं हम टाइम से पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसी वजह से फटाफट से हमने ऑटो ही ले लिया। सामने दीदी के घर के सामने रोड है तो बस वहाँ से हमने ऑटो बुक कर लिया था। बारिश वारिश में ऑटो में थोड़ी परेशानी हो ही जाती है क्योंकि गीले हो जाते हैं, थोड़े बहुत छाटे तो आते ही हैं। तो बस हम घर के लिए लौट रहे हैं और
यहाँ बाबू आगे बैठा हुआ है, हम लोग दोनों पीछे बैठे हुए हैं। वैसे अंकल जी की उम्र 86 या 87 ईयर्स के थे वो, पर तकलीफ़ तो होती है, दुख तो होता ही है, चाहे कोई कितने भी बड़े उम्र में जाए, यानी 100 साल के हो के क्यों ना जाए, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएँ, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा मतलब वो रहें दुनिया में रहें, मतलब साथ तो देखो पॉसिबल नहीं है कि बेटी के साथ कोई माँ बाप रहते हैं, पर ऐसा होता है कि हाँ वो रहें, कहीं भी रहते हैं तो आपको वो चीज़ महसूस होती रहती है कि हाँ हमारा अपना कोई है। अपने जाते समय नहीं भीगे, आते समय भले भीगे, सही बात है। तो इसीलिए चिंटू बोला था मम्मी केक फोड़ सो ना, तो वो ही नहीं रहा, तो फिर बारिश थी इतनी, तो रखना ही चाहिए ना दीदी, बच्चे बड़े हो जाते तो वो बोल दिया मम्मी मैं केप कर दूंगा तुम्हें, उसमें चले जाना तुम, ठीक है भाई। अभी अम्बालाल पटेल ने आगाही करी कि बारिश अच्छी आई हुई है सर, कल मोबाइल में टीवी में दिखा रहा था कि सब जगह बहुत बारिश है, बोले देखो ये तो मैं कितना मस्त काम कर रहे हैं, नहीं सुनील किसके पीछे हो ना, वहीं बैठे रहो, आगे मिल गया ना अपने को, नहीं तो यार मैं तो सोच रही थी बापरे यार देखो हवा है ना, नहीं हवा बहुत नहीं है, बारिश तेज है, देखो सब बेचारे यहाँ खड़े हो गए क्या कर रहे हैं, तो वही ना आज के प्राइवेट वालों की छुट्टी होती है, बाकी सर गवर्नमेंट वालों की छुट्टी होती है, अब चिंटू को तो घर से ही करना है अभी, तो 10 तारीख को जाएगा, 10 को जाएंगे फिर रक्षाबंधन को आएगा। और आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश है, मतलब मूसलाधार बारिश जो बोलते हैं ना वो बारिश हो रही है अभी यहाँ पर, जाते टाइम भी ऐसा ही था, मतलब हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ पे ऐसा था, जहाँ हम गए थे वहाँ पे कम थी बारिश, वहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, और लगभग लगभग हमें 25 या 20 मिनट लग जाते हैं, इतने के डिस्टेंस है, मतलब 12 या 15 किलोमीटर जैसा है जहाँ हम गए थे, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है, और वैसे भी बारिश में गाड़ियाँ थोड़ी स्लो ही चलती हैं, इतनी स्पीड में नहीं चलती हैं, और बारिश तो देखो आप मतलब आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा तेज़ बारिश है। बाबू को साथ में लेके जाना पड़ा क्योंकि ईद की छुट्टी थी कल स्कूल की, तो कहाँ मैं छोड़ के जाती, इसी वजह से बाबू को लेके जाना पड़ा। कूल है स्वैग, अपन का स्वैग है और ये हमारे घर का स्वैग है, ये हमारे घर का स्वैग है, आज धोबी घाट बन चुका है हमारा घर आज, क्योंकि बारिश हो रही है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बड़ा धोबी घाट पहले हुआ करता था, अभी नहीं है, जहाँ पे लोग कपड़े धोबी लोग कपड़े सुखाते थे धो के दूसरों का, देखो यहाँ से क्या बोला कुछ, हाँ तो मेरे कपड़े कम ही होते हैं ना धुलने के लिए, आप लोगों के ज्यादा होते हैं तो आप लोग ही ज़्यादा सूखेंगे ना, अभी तो मैं बाहर से लाई ही नहीं हूँ, मतलब एक तार का ही लेके आई, दूसरा तार वाला अंदर साइड में थोड़ा सा है तो उसको छोड़ दिया है मैंने, और ये देखो ऐसे सुखा कर रखा है। हाय रब्बा पानी गिरा बेटा यहाँ पे, अच्छा मेरी जान ना चली गई फिसल के, देखो दरवाजे का भी भरपूर यूज़ किया हुआ है, यहाँ भी लटका रखा है हैंगर में, अंधेरा है बेडरूम में इसलिए नहीं दिख रहा है, और यहाँ भी लटका रखा है इसलिए हैंगर होना चाहिए, देखो देखो अभी बाहर सूख ही रहे हैं कपड़े, यहाँ से यहाँ तक पूरा
तार बड़ा पड़ा है, ये देखो सारे कपड़े ही कपड़े। बारिश हो रही है, बारिश हो ही रही है ना बेटा। और बाबू के पैंट ही ज्यादा सूख रहे हैं। पूरे तार पे बाबू का पैंट है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। वही ये भी बाबू का ही है, देखो ये मेरा चड्डा, ये टी-शर्ट, टी-शर्ट वही। दिन में चार बार गीले होते हैं। और ये कपड़े मैंने, ये कपड़े मैंने सुखाए नहीं है क्योंकि कोई जगह था नहीं। नहीं बेटा रहने दे, कल कल सुखाया जाएगा, छोड़ दे। जगह नहीं था ना तो इसलिए सुखाया नहीं था। कहाँ से सूख जाएगा, बारिश चालू है, सूख कहाँ से जाएगा। थोड़ी सी हरियाली आ गई है इसमें, प्लांट्स में, मेरे मनी प्लांट्स में। बारिश चालू हुई, थोड़ी हरियाली। पीले हो गए वो पत्ते, तो दिखाया था मैंने, जल गए थे ना उस साइड के जो धूप आती है। और ये है रात का टाइम, 10:30 बजे के बाद का टाइम है। तो कपड़े थोड़े बहुत मैंने ले लिए थे जो घर में फैला रखे थे, और बाहर है आप सब देख सकते हो। घर में भी मैं कहाँ फैलाती, जगह नहीं थी इतनी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।